देख सकते हैं यहाँ पे ये छपा के रखे हैं पोस्टर दुर्योधन माथो का केला छाप का। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं जी? जयराम माथो जी। देखिए ये पहने हैं दुर्योधन माथो केला छाप का और सपोर्ट कर रहे हैं जयराम माथो का, ऐसा क्यों? तो चेंज होवे चाहिए। तो तोर अनुसार कौन ऐसा नेता जो बढ़िया अभी डुमरी खातिर कर सकल है? बीजेपी वाला भी बोला कि गोगो दीदी योजना लाएंगे। कोई गोगो आप दीदी पढ़ना कुछ नहीं आया, नहीं आया, सब वोट लेने के लिए। तो आपके विचार से इस बार क्या होना चाहिए? इस बार हम लोग जयराम माथो सोचे है, नया लड़का आया उधर का। चाची आपको मैया योजना मिल रहा है कि नहीं? ना मिलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फिर से आ चुके हैं हम चुनाव से रिलेटेड वीडियो बनाने और आज आए हैं नवाड़ी जहाँ यहाँ पे बाजार लगता है और महिला सबसे भी पूछेंगे कि मैया सम्मान योजना आया है कि नहीं, सारा अभी डिटेल जानने वाले हैं अभी यहाँ हम। तो आप लोग लास्ट तक पूरा बने रहें और देखते रहें। आप बताइए कि मैया योजना जो निकला है उससे फायदा दिख रहा है कि नहीं? वो फायदा नहीं, फायदा क्या रहेगा जी उससे? फायदा नहीं है वो, फायदा उसके बाद बोल रहा है कि 2500 बढ़ा देंगे, क्या होगा उससे? बढ़ाने उड़ाने से नहीं, सबसे बड़ा यहाँ समस्या है कि यहाँ जो बीए एमए करके जो भटक रहा है लड़का लड़की सब, मेरा भी बच्चा है बीए करके बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ये सब के कुछ काम होना चाहिए ना, सोच सोच के कि क्या कौन बच्चा कितना पढ़ा लिखा हुआ है उसको काम दिया जाएगा, वैसा होना चाहिए ना। यानी आपका कहने के अनुसार है कि मतलब रोजगार मिलना चाहिए, कम पैसा की कहे नहीं, लेकिन 20,000 कहा हो तनख्वाह, लेकिन मिलना चाहिए रोजगार। चाची आपको मैया योजना मिल रहा है कि नहीं? ना मिलो। तो बीजेपी का आदमी है शुरू से, अब बीजेपी ही है। अच्छा आप बीजेपी का आदमी है, ठीक है हम माने बीजेपी का आदमी है और आप बीजेपी को वोट दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे तो डुमरी में बीजेपी के है नहीं, आंसू है संगठन है, हम मानते हैं कि आंसू है संगठन है, लेकिन आप बीजेपी को ही क्यों वोट देना चाहिए? हम लोग ऊपर मोदी को, मोदी को देखते हैं। तो यहाँ झारखंड में मोदी को कैसे देखिए? नहीं सीट मिलेगा, बस सीट मिलेगा। अभी जो मैया योजना निकाल दिया उससे आपका क्या रहा? मैया योजना अभी भर मिलेगा, करवा दो हम चला जाएगा हाथीगढ़। और बीजेपी वाला भी बोला कि गोगो दीदी योजना लाएंगे। कोई गोगो आप दीदी पढ़ना कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब वोट लेने के लिए। रहा 20 साल जगन्नाथ मंदिर, एक भी लोग का रोजगार नहीं मिला है, नहीं मिला। अभी आदमी के पास रोजगार रहता तो आदमी सब्जी बेचता, वही तो, वही तो बोल रहे हैं, कपड़ा बेचता नहीं, वो तो काय कपड़ा बेचता। रोजगार बिल्कुल, अभी 20 साल सर रहा विधायक, यहाँ का लोगों को कुछ भी नहीं किया, अभी बदलाव होना चाहिए। यानी कि आपकी बार बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। 5 साल तक कहाँ किया था, मैया सम्मान योजना तो निकाल सकता था 5 साल के पहले। 5 साल जब चुनाव आया तब लोगों को 1,000 देकर ठग रहा है, ठग रहा है ना, ठग रहा है, बिल्कुल ठग रहा है। तो आपके राय से कौन सा अभी फिलहाल केला छाप, केला छाप, केला छाप जो अभी पे हम लोग का संसद भी रहे अभी है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो तो वैसा कुछ किए नहीं, तो फिर उनको कहे सपोर्ट करेगा? वो भी तो 5 साल, वो भी तो 5 साल रहे जी, उसके बाद फिर अब की बार जीते, और अभी 5 महीना हो बीत चुका है, उसमें भी कुछ नहीं किए हैं। करेगा, थोड़ा रुकिए करेगा। तो अगर मान के चलिए यही वाला सवाल जमैम वाला पूछेगा कि हम भी तो नहीं किए, तो हम मानते हैं 5 साल और 20 साल में फर्क होता है, पहले आप ये चीज जान, हम समझ रहे हैं 5 साल और 20 साल में फर्क होता है, 20 साल बहुत लंबा है, 5 साल ये तो बहुत छोटा है, छोटा है वो मतलब मेरा कहने का नहीं है। आप 5 साल रहिए चाहे 1 साल रहिए, काम कीजिएगा तो वोट आपको जरूर मिलेगा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव कराए से बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जेएमएम सरकार तो लूट कर रहा है। चुनाव जो है 2024 का, उसमें आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? सरकार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? इस सरकार का जो भी वादा था सब झूठा साबित हुआ, झूठा साबित हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे ये छपा के रखे हैं पोस्टर दुर्योधन माथो का केला छाप का। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं जी? जयराम माथो जी। देखिए ये पहने हैं दुर्योधन माथो केला छाप का और सपोर्ट कर रहे हैं जयराम माथो का, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसी का हम लोग वोट देना है, वोट देना है, ओकरा वोट देना है। जयराम माथो के तो बाबा काहे वोट दिए खोजो, कहाँ वोट देवे जयराम माथो देवे कहाँ ना देवे, तो की खातिर जो की कर ले हो? कुछ ना कर ले तो अच्छा है, लागो ना मेरे पास, अच्छा लागो, अबरी अच्छा करता है। अरे जे बेबी देवी खड़ा हो, यशोदा देवी खड़ा हो, अखनी काहे ना वोट देवे? पिछली बार विधायक हलो, हमने के विधायक के हलो, बेबी देवी हलो, बेबी देवी हलो, तो ओकरा काहे ना वोट दिए खोजो? अरे वो कुछ करिए ना, किल वोट देबे ओकरा? अच्छा कुछ करिए ना देलो, अच्छा ऐसे खातिर जरा मत वोट दिए खोजो? अच्छा 20 तारीख के चुनाव होने वाला है, उसमें आपका क्या राय है? अब हम एक लाइन में कहना चाहेंगे, हाँ जेएमएम जो है 2014 से राज कर रहा है, हाँ 2014 से नहीं 2005 से, 2005 से कर रहा है ना, हाँ लेकिन इसका अभी दिल और दिमाग में नहीं काम किया है कि जनता को क्या देना चाहिए। हाँ
ये जो है सो कुछ लाने जैसा मैया योजना समाप्त कर दिया हमने है ना। तोरा मिलो कुछ 1000 टका मिलो हो ना को कुछ हो ना ना मिलो हो अब क्या होगा इलेक्शन भाव दारू मुर्गा इन लोग सब तोड़ेगा कटा करके जबकि इन लोग सरकार को शराबबंदी करना चाहिए युवा लोग सुधरता है युवती लोग सुधरता है लेकिन और शराब पीने के लिए सिखाता है अदर स्टेट में जाते हैं झारखंड से भी छोटा राज्य लेकिन वहाँ पर इतना फैक्ट्री है ना वहाँ जेंट्स और लेडीज जो काम करता है इतना कोई भूखे नहीं मरता है। सही बात। यहाँ खनिज पदार्थ रहते हैं भी तो यहाँ मैंने गरीबी रेखा से नीचे जगह है इसका कारण क्या है सरकार मैंने सही पर ध्यान नहीं देता है रोजगार देने का बात रह गया कोयला कोयला जो है सो लोग बड़े बड़े लोग बेच करके अपने खाता है जनता के लिए इसमें कोई भलाई नहीं है वहाँ से ठेला लाने के लिए जलावन के लिए जाइए तो वहाँ दूर जाकर चाक मारेगा गार्ड। सही बात। अच्छा यहाँ पर नौकरी जो होता है गरीब घर का खर्चा बच्चा कितना कंपटीशन निकाल लेगा लेकिन जब तक डोनेशन घुस नहीं दीजिएगा तब तक सरकारी नौकरी लगेगा नहीं। अब तो सही बोल रहे हैं सरकार के पास जाता है कि नहीं। हाँ सही बात। वो लोग कहिएगा छोटा मोटा काम कराने के लिए यहाँ भी घुस लेता है। तो आपके विचार से इस बार क्या होना चाहिए? इस बार हम लोग जयराम महतो सोचे है नया लड़का आया उभर कर उसको जिताने बाद क्या करता है तो उनको जयराम महतो को ही क्यों ये जो जनता का जो सोच है ना जनता का जितना दर्द है आवाज उठाया है लेकिन उसको इलेक्शन में जिताएंगे तब ना कुछ करें। चाचे तो नहीं मैया समान योजना आओ कि नहीं है आवो हो तो 1000 में की घर चल जीतो सरकार के चुनाव होने वाला हो तो अगर में चेंज होवे चाहिए कि नहीं चेंज होवे चाहिए तो चेंज होवे चाहिए तो तोर अनुसार कौन ऐसा नेता जे बढ़िया अभी डुमरी खातिर कर सकल है जयराम महतो और सरकार मतलब कि पूरा झारखंड सरकार में कौन नेता देखे खोजा जयराम महतो के जयराम महतो का है बेबी देवी जे अभी पहले जीता लो ओकरा का है झारखंड के लगती ने हमी पूरा झारखंड के बेटा हो गेला। और चाची से पूछते हैं चाची से चाची आप सब्जी खरीदने आए हैं तो आपको भी कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं? कोई भी लाभ नहीं। नौकरी वगैरह है का? उसके बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा है 1000 मैया योजना में मिला।